हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हो बैक बेंचर लॉ। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 108 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट टू। इसका पार्ट वन जो है मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको पार्ट वन देखना है तो मैं आई बटन में उसको लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट टू में क्या कहा गया है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसके जे पॉइंट तक कवर किया था, अब हम लोग इसके के पॉइंट्स देखेंगे। तो इसका जो के पॉइंट है वो कहता है द लेसी इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द लेसर एनी फैक्ट एज टू द नेचर और एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट विच द लेसी इज अबाउट टू टेक ऑफ विच द लेसी इज एंड द लेसर इज नॉट अवेयर एंड विच मटीरियली इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ सच इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में कहा गया है, अगर आपने इसका जो फर्स्ट पॉइंट है यानी कि जो ए है, ए बिट है, उसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ड्यूटी टू डिस्क्लोज जो है वो यहाँ पे लेसर का है रिगार्डिंग एनी मटेरियल फैक्ट। ठीक है, रिगार्डिंग द इंटेंडिंग यूज़, यानी कि यूज़ इंटेंडेड यूज़ से अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ पर लेसर को पता है और लेसी को नहीं पता है, तो यहाँ पर लेसर जो है वो बाउंड है लेसी को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन इस वाले पॉइंट में जो कहा गया है, इस वाले पॉइंट में लेसी जो है, ठीक है, लेसी को अगर कुछ पता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के टाइटल के बारे में, यानी कि एनी मटेरियल डिफेक्ट रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इस केस में जो लेसी है वो यहाँ पर लेसर को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, हालांकि अगर लेसी जो है वो नहीं बताता है अगर, तो ये कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे वो डैमेजेस के लिए लायबल रहेगा, यानी कि यहाँ पे उसको डैमेजेस देना पड़ेगा अगर वो नहीं बोलता है। अगर वो नहीं डिस्क्लोज करता है तो ये कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको डैमेजेस ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एल पॉइंट में। एल पॉइंट में कहता है द लेसी इज़ बाउंड टू पे और टेंडर एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस द प्रीमियम और रेंट टू द लेसर और हिज एजेंट इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें ये काफ़ी इजी है। इसमें कहा गया है कि जो लेसी है वो यहाँ पे करेगा जो भी रेंट्स या जो भी प्रीमियम उन दोनों के बीच में तय हुआ है, यानी कि लेसर और लेसी के बीच में जो भी तय हुआ है, यहाँ पे लेसी जो है वो यहाँ पे करेगा उस रेंट्स या प्रीमियम को, या तो लेसर को या तो कोई एजेंट जिसको कि लेसर ने अपॉइंट किया है, ठीक है, उसको यहाँ पर वो पे करेगा। बस इसमें यही है। अब इसका जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट में कहता है द लेसी इज़ बाउंड टू कीप एंड ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज टू रेस्टोर द प्रॉपर्टी इन एज गुड कंडीशन एज इट वॉज एट द टाइम वेन ही वॉज पुट इन पोजिशन सब्जेक्ट ओनली द चेंजेस कॉज बाई रीजनेबल वेयर एंड टेयर और इरेस्टेबल फोर्स एंड टू अलाउ द लेसर हिज एजेंट्स एट द रीजनेबल टाइम ड्यूरिंग द टर्म टू एंटर अपॉन द प्रॉपर्टी एंड इंस्पेक्ट द कंडीशन देयर ऑफ गिव और लीव नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन सच कंडीशन एंड वेन सच डिफेक्ट हैज़ बिन कॉज बाई एनी एक्ट और डिफॉल्ट और ऑन द पार्ट ऑफ द लेसी हिज सर्वेंट्स और एजेंट्स इज बाउंड टू मेक इट गुड विद इन 3 months आफ्टर सच नोटिस हैज़ बिन गिवन और लेफ्ट। ठीक है, देखिए तो ये काफ़ी सिंपल है। इसमें कहा गया है कि जो लेसी है इज़ बाउंड टू कीप एंड उसको जब वो वापस करेगा, यानी कि जब लेसी जो है उस प्रॉपर्टी को जब वो लेसर को वापस करेगा, तो अगर तो कोई उसमें ऐसा कोई डिफेक्ट, यानी कि अगर कोई उसमें वो ख़राब कर दिया है प्रॉपर्टी को, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल वेयर एंड टीयर से अगर हुआ है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जैसा उसने जिस कंडीशन में उसने प्रॉपर्टी को लिया था उस कंडीशन में उसको वापस करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा था वैसा ही करेगा। नॉर्मल वेयर एंड टीयर एक्सेप्टेड है, ठीक है, और कोई इरेस्टेबल फोर्स की वजह से अगर कुछ होता है तो वो भी एक्सेप्टेड है। इसमें एक और पॉइंट भी है जिसमें कि अगर तो जो लेसर है या फिर उसका एजेंट है, अगर वो लोग चाहते हैं कि वो इंस्पेक्ट करे उस प्रॉपर्टी का जिसका कि पोजीशन में लेसी है, तो वो लोग अगर चाहे तो वो लोग लेसी के प्रॉपर्टी को, यानी कि लेसी जिस प्रॉपर्टी के पोजीशन में उसको वो लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लेसी उनको परमिट करेगा। और अगर तो यानी कि लेसर या फिर उनके एजेंट को अगर कोई दिखता है गलत कुछ भी डिफेक्ट या कुछ हुआ है तो वो यहाँ पे नोटिस देंगे, और अगर तो वो जो गलती है जिसका लेसर या उनके एजेंट ने नोटिस दिया है, वो गलती अगर लेसी या फिर उसकी एजेंट के वजह से अगर होता है, तो इस केस में जो लेसी है वो यहाँ पे उसको 3 months के अंदर अंदर उसको रिपेयर करवा देगा। ठीक है, बस इसमें यही कहा गया है। अब इसका जो एन पॉइंट है,
एन वाले पॉइंट में कहा गया है, इफ द लेसी बिकम्स अवेयर ऑफ एनी प्रोसीडिंग टू रिकवर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ और ऑफ एनी एनक्रोचमेंट मेड अपॉन और एनी इंटरफेरेंस विद द लेसर्स राइट कंसर्निंग सच प्रॉपर्टी ही इज बाउंड टू गिव विद रीजनेबल डिलीजेंस नोटिस देयर ऑफ टू द लेसर। तो इस वाले पॉइंट में कहा गया है कि अगर तो जो लेसी है उसको अगर पता चलता है कि कोई प्रोसीडिंग हो रहा है टू रिकवर दैट प्रॉपर्टी जिसका वो पोजीशन में है या फिर कोई उसका पार्ट है उसको अगर रिकवर करने के लिए कोई प्रोसीडिंग अगर चल रहा है या फिर तो अगर कोई इनक्रोच कर रहा है, ठीक है, इनक्रोच कर रहा है, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई इन्फरेंस, ठीक है, और एनी इन्फरेंस विद द लेसर्स राइट कंसर्निंग सच प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई और वहाँ पे लेसर का जो राइट है उसको अगर कोई इन्फर कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जो लेसी है वो यहाँ पे लेसर को बताएगा, जल्द से जल्द नोटिस देगा इस बारे में अगर उसको इन सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। क्या क्या? पहला तो हो गया कि अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है टू रिकवर द प्रॉपर्टी या कोई और पार्ट, या फिर कोई अगर इनक्रोच कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, या फिर कोई इंटरफेयर कर रहा है विद द टाइटल ऑफ द लेसर, तो इस केस में जो लेसी है वो जल्द से जल्द जो है वो नोटिस देगा किसको? लेसर को, ठीक है। अब इसका जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट में कहता है द लेसी में यूज़ द प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रोडक्ट एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड यूज़ देम इफ दे वेयर हिज ओन, बट ही मस्ट नॉट यूज़ और परमिट अनादर टू यूज़ द प्रॉपर्टी फॉर अ पर्पज अदर दैन दैट फॉर विच इट वॉज लीज्ड और फेल और सेल टिम्बर पुल डाउन और डैमेज बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू द लेसर और वर्क माइंस और क्वेरीज नॉट ओपन व्हेन द लीज वॉज ग्रांटेड और कमिट एनी अदर एक्ट विच इज डिस्ट्रक्टिव और परमानेंटली इंजूरियस देयर टू, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में कहा गया है कि जो लेसी है वो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जिसको कि जो कि वो पोजीशन में है जिस प्रॉपर्टी का उसको वो ऐसे यूज़ करेगा जैसे कि एक ऑर्डिनरी पर्सन वो उसको यूज़ करेगा अपना प्रॉपर्टी मान के, वैसा ही वो यूज़ करेगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि वो आगे यानी कि वो किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकता जो कि लीज़ के लिए दिया गया, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए लीज़ दिया गया उसी पर्पज़ के लिए वो यहाँ पर यूज़ कर सकता, किसी अदर पर्पज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया गया है जैसे कि सेल या फेल ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर को काट के वो बेच नहीं सकता, या फिर कोई डैमेज नहीं कर सकता उस बिल्डिंग को, ठीक है, या फिर कोई माइन या क्वेरी जो कि बंद है उस पर वो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर कोई ऐसा परमानेंट या कोई भी ऐसा इंजुरी टू द प्रॉपर्टी वो यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है, बस इसमें यही कहा गया है। अब इसका जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट में कहता है ही मस्ट नॉट विदाउट द लेसर्स कंसेंट इरेक्ट ऑन प्रॉपर्टी एनी परमानेंट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। तो इसमें कहा गया है कि वो यानी कि जो लेसी है वो यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई भी वो उस प्रॉपर्टी पे ऐसा कोई भी बिल्डिंग वो यहाँ पे इरेक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल पर्पस, यानी कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर वो लीज़ किया गया है तो इस केस में वो इरेक्ट कर सकता है प्रॉपर्टी को, यानी कि कोई बिल्डिंग को उस प्रॉपर्टी में, या फिर लेकिन अगर वो कोई अदर देन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर लीज़ किया गया तो उस केस में बिना लेसर के परमिशन के वो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी को इरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग को इरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका जो क्यू पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उसमें कहा गया ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज द लेसी इज बाउंड टू पुट द लेसर इन टू पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें कहा गया है कि जब वो लीज़ ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो लेसर है, जो लेसी है वो यहाँ पे लेसर को वो पोजिशन को वापस कर देगा, ठीक है, बस इसमें यही कहा गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके उस डाउट का एक वीडियो बना के अपने जो चैनल के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज है उस पर मैं पोस्ट कर दूंगा जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज तक पहुँचना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आपको पहुँचने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप मेरे इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आप इस वीडियो को मेरे चैनल के Facebook या फिर Instagram पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।